हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हर हर महादेव, जय गो माता। ये सारी की सारी बछड़ी हैं, ये सभी की सभी सेल के लिए है। ये बहुत ही अच्छी पेडिग्री से और बहुत ही अच्छे बुल से बुल की बछड़ियाँ हैं। इसकी मदर फादर बहुत अच्छे हैं, इसके मदर के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, इसके फादर के भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। तो मित्रों, ये सभी की सभी देखिए, थन क्वालिटी से लेकर इसकी लंबाई, लेंथ, इसके कान, इसके सींग, सब तरह से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही शानदार बछड़ियाँ हैं। तो ये सभी की सभी बछड़ियाँ सेल के लिए, इनमें से एक साल से लेकर मित्रों 2 साल तक की बछड़ी है। और इनमें से जो जो बछड़ी आपको पसंद है, उसका स्क्रीन शॉट आप हमें डाल सकते हो, ताकि हम उसकी डिटेल और कीमत आपको कह दें। ये बहुत ही अच्छे बुल, और हमारे पास 2 ही बुल है, 2 बुल की बछड़ी है। एक राम है और एक है गणेश करके। ये दोनों की सभी बछड़ी है, और इन सभी के मदर फादर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे हैं। आप देख ही सकते हो, सबकी लेंथ, लंबाई और कान कट में सब तरह से बहुत ही अच्छी है। देखिए मित्रों, इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हो, ये बहुत ही लंबाई वेल की बछड़ी अच्छी है, और ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छी गाय बनेगी। और इन सभी की मदर बहुत ही अच्छी है, और हम आपको एक बहुत ही शानदार बछड़ी दिखाएंगे इसके बाद, जो जिसके कान आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे कट वाले कान जिसको बोलते हैं, बहुत ही शानदार कान है। और ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास बछड़ी, जो भी हम दिखाएंगे वो स्क्रीन पे हुए नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि इसकी डिटेल और कीमत हम आपको कह देंगे। ये सारी की सारी बछड़ी मित्रों सेल के लिए, अगर एक साथ में आप लेना चाहते हो तो ये हम एक साथ में आपको कुछ कम ज़्यादा करके दे देंगे, और अगर एक बछड़ी या 2 बछड़ी इसमें से परचेस करना चाहते हो तो इसकी कीमत अलग है मित्रों। इनमें 35,000 से लेकर मित्रों 1,20,000 तक की बछड़ियाँ हैं सब। अगर इनमें से आपको कौन सी बछड़ी पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है, अगर एक साथ में लोगे तो आपको एक बीच का रास्ता निकाल के और एक सरलता भाव से हम आपको दे देंगे, ताकि सभी की सभी बछड़ी मित्रों अच्छी है, और सभी की मदर आपको इस गौशाला में मिलेगी देखने के लिए कि इनकी मदर का लॉन्ग टाइम तक मिल्क चलता है और कितना कितना मिल्क देती है, और फर्स्ट लैक्टेशन में भी कितना कितना मिल्किंग किया हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम कभी भी दूध दोना छोड़ा नहीं, एक दिन भी इसको ड्राई नहीं किया है, ऐसे ही दूध दोते दोते सब बच्चा दे देती है। और ये देखिए मित्रों, इसका 8वां महीना चल रहा है, ये सोन कपिला गाय है, ये सेकेंड लैक्टेशन पे बच्चा देने वाली। इसका फर्स्ट लैक्टेशन में मित्रों 7.5 लीटर दूध था, मतलब पूरे दिन का 15 लीटर दूध था, और बहुत ही अच्छी और शानदार है। और ये भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार बछड़ी है। इसका जो सर है बहुत ही अच्छा है, इसके कान कट भी बहुत अच्छे हैं। सभी मित्रों बछड़ी और गाय बहुत ही अच्छी और शानदार है। ये भी आप देख सकते हो, इसकी अभी से इसकी जो अडर आप देख सकते हो, इसके थन की जो बनावट है बहुत ही शानदार है। तो मित्रों, ये सारी की सारी बछड़ी सेल के लिए है। अगर जिस किसी को भी अगर एक साथ में अगर 10-12 बछड़ी और 10-12 गाय जाइए तो इसमें से काफ़ी सारी गाय दे देने की। और ये जो बगल में बैठा है वो गणेश नाम का बुल है। काफ़ी सारी बछड़ी तो हमारी गणेश की है और राम की है, तो देख सकते हो ये सभी बहुत ही अच्छी पेडिग्री की है और बहुत ही अच्छी है। और इनके मदर सब हैं और बहुत ही अच्छी लाइन की है, तो कोई भुवनेश्वरी है, तो कोई भावनगर की है, और कोई भुतवड़ की है, सब अलग अलग लाइन की गायें हैं मित्रों। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी गाय है, जो मिल्क कैपेसिटी में भी बहुत अच्छी है। तो आपके सामने ये सभी, ये सेकेंड बार बच्चा देने वाली है। इसके 3 थन है, लेकिन ये एक टाइम का 10 लीटर दूध कर रही है मित्रों। ये देसी जो गाय है, ये बछड़ी ये बहुत ही शानदार है, और इसके ये प्रेग्नेंट है 6 महीने की, और ये बहुत ही बड़ी गाय है, शानदार और हेवी गाय। ये भी सेल के लिए मित्रों, आप देख ही सकते हो। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बछड़ी और अच्छी अच्छी गाय सब सेल के लिए। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे स्क्रीन शॉट डाल सकते हो। ये देखिए मित्रों, ये भी बहुत ही शानदार बछड़ी है, आप देख ही सकते हो। इसकी जो सर की बनावट है और इसके सींग एकदम नज़दीक से गए हुए हैं, और बहुत ही शानदार सींग ये निकालेगी मित्रों। ये भी आप देख सकते हो, ये भी बछड़ी बहुत ही अच्छी है, इसकी भी अडर क्वालिटी बहुत ही शानदार बनेगी। तो मित्रों, ऐसी फ्यूचर में जो अच्छी अच्छी गाय, बहुत ही अच्छी गाय बनेगी सब, ऐसी ऐसी बछड़ी है जिसके मदर का मिल्क रेशियो देखा जाए तो पूरे दिन का 14 लीटर से लेकर 22 लीटर तक की गाय है मित्रों। इन सब की मदर है और बहुत ही अच्छी मिल्क कैपेसिटी में भी है। और फर्स्ट लैक्टेशन की अगर कोई लेना चाहते हैं तो फर्स्ट लैक्टेशन में 6-6 लीटर दूध भी दे रही है, और प्रेग्नेंट भी है 5 महीने की, ये हमारे गणेश बुल से प्रेग्नेंट है। तो मित्रों, ऐसी भी बहुत ही काफ़ी सारी गाय है, और एक हम आपको सेकेंड बार जनी हुई बछड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी अभी प्रेग्नेंट है 5 महीने की, और अभी भी 6-6 लीटर दूध दे रही है, और इसका नाम है राधा। और ये राधा बहुत ही अच्छी है,
इसको हमने एक दिन भी दूध दोना छोड़ा नहीं, और एक सोन कपिल हम आपको गाय दिखाएंगे मित्रों। एक टाइम का ये गाय 10 लीटर दूध कर रही है मित्रों। ये प्योर देसी नस्ल की जो गाय कहते हैं वैसी गाय है, ये भी बहुत ही शानदार है। और अभी ये भी प्रेग्नेंट है, इसके नीचे बछड़ी है और अभी भी ये 5-5 लीटर दूध दे रही है मित्रों। तो ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास गाय सेल के लिए, अगर आपको चाहिए तो ऐसी बहुत ही शानदार शानदार गाय है हमारे पास, और बछड़ी भी हैं। और एक हम आपको रेड कलर की गाय दिखाएंगे जो हमारे धम्मा से 5 महीने की, ये प्रेग्नेंट है और अभी भी दोनों टाइम 6-6 लीटर दूध दे रही है, मतलब पूरे दिन का 12 लीटर दूध दे रही है। इसने बच्चा दिया वो 7 से 8 महीना हो गए मित्रों, और अभी ये सेकेंड बार बच्चा देने वाली है, और ये बहुत ही शानदार गाय है। तो ये सभी की सभी जो भी हमने आपको इस वीडियो में गाय दिखाई हमारी जमनागिर गौशाला में चैनल में, वो सभी की सभी सेल के लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो सभी सेल के लिए, जिस किसी को भी कोई भी चाहिए तो उसका क्रीन शॉट डाल सकते हैं। और मित्रों धर्मेंद्र बुल भी हमने सेल के लिए निकाला है, तो अगर धर्मेंद्र बुल किसी को चाहिए तो ये भी सेल के लिए आप रूबरू आके इसको देख सकते हो। और काफ़ी सारी हमारे गाय धर्मेंद्र से प्रेग्नेंट है 50 के आसपास। तो एक वीडियो में आपको ऐसा भी दिखाएंगे जो गोंडलियों की बछड़ी है और धर्मेंद्र से प्रेग्नेंट हुई थी, तब का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये धर्मेंद्र भी सेल के लिए अगर किसी को चाहिए तो हम धर्मेंद्र भी सेल के लिए निकाला है। तो मित्रों नमस्कार, हर हर महादेव, जय गो माता, वंदे मातरम। अगर जो भी फ्यूचर में अच्छी गाय बनाना चाहता है और अच्छी गौशाला डेवलप करना चाहता है तो आप ज़रूर एक बार हमारी जमनागिरी गौशाला में मुलाकात लीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी गाय दिखाएं और अच्छे से बूल आपको दे सके। नमस्कार, हर हर महादेव, जय गो माता।